Hey guys, a very good afternoon. Good afternoon, everyone. How are you all doing? Yes. Please acknowledge me in the chat box if I'm audible enough and you're able to see me. Please give me a quick acknowledgement. फटाफट से आप मुझे चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है और वीडियो भी दिखाई दे रही है. हेलो हेलो गाइज. यस राइट यस इन द चैट बॉक्स. ठीक है, जिससे आपकी प्रेजेंस का पता चल पाए, मुझे ये पता चल पाए किस किस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया. हेलो राजरंदी, हाय अनुप्रिया, दिलशान, अभिलाषा, निहारिका, मयंक. ओके फाइन, आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट. आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ गोप्रेप क्लास 9. आई एम आभा पांडे, योर बायोलॉजी फैकल्टी राइट हियर एट गोप्रेप. आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट. यस ओके, फटाफट से सब लोग चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए जिससे मुझे ये पता चल पाए किस किस ने ज्वाइन कर लिया. आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट. आई होप दैट यू किड्स आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. तो बच्चा ये जो सेशन है आज, इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मोनो हाइब्रिड एंड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके फाइन. हेलो आर्या, हेलो अनुप्रिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल योर फ्रेंड्स इमीडिएटली सो दैट दे डू नॉट मिस सच इम्पॉर्टेंट सेशन. What's your name, dear? Maths, my love. I don't know what's your name. You have it in Maths, my love. Okay. So first of all, call your friends immediately so that they do not miss such important session. Okay. Moving ahead. But before that, let us have a look over the schedule for this entire week. कि हमारा जो entire week है, उसका okay. स्केड्यूल क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने आज से पहले जो क्लासेस है उसमें हमने क्या कंप्लीट किया है. लेट अस हैव अ लुक अबाउट द सेम. सो आई होप दैट एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दैट वी आर रनिंग. ओके सो बेसिकली जो हम बच्चा सीरीज रन कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट द सेम. सो वी आर रनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज इन ऑन योर चैनल. ऑन योर क्लास 9th चैनल इज द वेरी फर्स्ट वन इज द एग्जाम अभ्यास. ठीक है, तो एग्जाम अभ्यास में आप क्या सीखते हैं, एग्जाम अभ्यास में आप सीखते हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड चीजें. ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगी, थोड़ा सा उससे एक लेवल हाई होगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट. But I think many of you are there, those who have completed NCERT, जिन्होंने NCERT complete कर लिया होगा and they want something extra. Or many of you are preparing for foundation as well. Many of you are preparing for various competitive exam. ठीक है, तो बहुत से लोग competitive exam की भी तैयारी कर रहे होंगे और उनको competitive exam के लिए थोड़ा सा extra knowledge चाहिए होगा. So for that, there is a special series running on your channel, that is the foundation course. ठीक है, okay, so this is the week schedule. So इस पर्टिकुलर वीक में वी हैव ओनली वन फाउंडेशन क्लास एंड वी हैव थ्री एग्जाम अभ्यास. आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट बायोलॉजी में क्या होने वाला है. तो बच्चा बायो में आपके तीन एग्जाम अभ्यास के सेशन है और एक आपका फाउंडेशन सेशन होने वाला है. सो जो कल की क्लास होगी आपकी एट 8 PM, ठीक है, जिसमें हम चेक करने वाले हैं आर यू गाइज एग्जाम रेडी. ठीक है, क्या आप एग्जाम के लिए रेडी हैं. विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द सेल चैप्टर. ठीक है, so do not forget to join the same. And yes, so as I told you that we have started a foundation series. तो बच्चा foundation series में मैंने bio में जो chapter start किया है, that particular chapter is genetics. ठीक है, the particular topic is genetics. So this is the third class for that particular topic. In the very first class, which was on 12th of January, we have talked about the basic concepts of heredity. So, जिसने ये video नहीं देखा है, ये वाला class miss कर दिया है, please watch it because the class is very much important. Talking about the second class for the genetics topic was on 19th of January, in which we have talked about Mendelian genetics. तो आज हम उस मेंडेलियन जेनेटिक्स को ही आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे कुछ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस. आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी हम क्या कर रहे हैं. पहले वो क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. नाउ
सो जितना भी हमने हमने प्रीवियसली पढ़ा है, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम. तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द सेम. ओके, सो एवरीबॉडी कम टू द मेंटी. आप फटाफट से सब लोग मेंटी के लिए आ जाइए. अपने सर्च इंजन में यू हैव टू टाइप www.menti.com एंड यू नीड टू एंटर द कोड दैट इज 7909119. आई विल रिपीट द कोड फॉर यू गाइस. इट इज 7909119. Call your friends immediately also so that they do not miss such important session. ठीक है, क्योंकि friends of 10th standard can also join it. क्योंकि 10th standard में तो genetics है ही. Okay. Yes, everybody. Join immediately. The code is 7909119. ओके, यू आर किंग क्राउन. 7909119 इज द कोड फॉर टूडेज मेंटी. आई एम वेटिंग. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू menti.com. अपने सर्च इंजन पे जाइए, menti.com एंटर करिए और उसको एंटर करने के बाद फटाफट से ये कोड डाल दीजिए. ओके फाइन, फटाफट से गाइस सो दैट आई कैन लॉन्च द पोल इमीडिएटली. Okay, so let us see who gonna be the leader for this particular mentee. देखते हैं कौन लीड करने वाला है इस मेंटी को. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है. ठीक है, उस पर बेस्ड है. ओके ओके गाइज, चलो. सो द कोड वॉज 7909119 एंड लेट अस सी वट एक्चुअली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज. आई होप दैट एवरीबॉडी इज रेडी. प्लीज कम इमीडिएटली. ओके ओके, द कोड इज 7909119. लेट्स मेक इट 20. ओके फाइन, चलिए. सो बच्चा पहला क्वेश्चन जो है इट इज हियर. जीन पेयर दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर. आपको पता है ना, हमारी बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वी हैव समथिंग लाइक, हमें पढ़ा है, अलील है, ट्रेट है, जीनोम है या जीन पूल है. ठीक है, वी नो दैट द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. बट बच्चा जैसे कि मैं बात करती हूँ हाइट की. ठीक है, सो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल यू आंसर इट, जीन पेयर दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर इज कॉल्ड. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू गोना मार्क इट करेक्टली. अरे भैया अपना ज्ञान चैट बॉक्स में मत दिखाओ. ठीक है, लीड अप यहां पे दिखाओ, मेंटी में दिखाओ. सो वी हैव 14 ऑफ यू दोज हु हैव मार्क्ड इट करेक्टली. लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड दैट हु इज लीडिंग इट. ओके, वी हैव सानिया लीडिंग द लीडर बोर्ड विद 986 पॉइंट्स फॉलोड बाय बायोलॉजी गुरु मयंक गौतम. योर डियर स्टूडेंट होला हॉप फ्रॉम स्टील सिटी, आयुष, टीजा, राजनंदिनी, निहारिका, आर्या एंड मोहम्मद सलाउद्दीन. लेट एवरीबॉडी, ओके सो ऑल ऑफ यू कम टू दी वाईटी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, नो स्निधि, नाउ यू कैन वॉच देम, नो प्रॉब्लम. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ जीन पेयर दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डियर. We know that the gene is a segment of DNA which controls a particular characteristic. तो बच्चा ये segment है DNA का, ये मेरा DNA है, it will be a part of DNA which will be controlling the particular characteristic. Let us consider that the character is the height of a plant. But बच्चा कुछ plants होते हैं जो कि tall होते हैं, while there are some plants which are dwarf. हम किसी भी particular species की अगर बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक जीन के डिफरेंट डिफरेंट अलील्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट अलील्स गिव डिफरेंट ट्रेट्स. ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन देन विल मूव अहेड.
ठीक है चलो फटाफट से आ जाओ एवरीबॉडी. आई विल रिपीट द कोड, इट्स 7909119. 7909119 is the question number 2. For those who have just joined, I am repeating the code. It's 7909119. We are on the question number 2. Total we have 10 questions. Are you guys ready? Do you want me to launch the poll for this particular question? Yes. Are you guys ready? So this is an easy question, आसान सा question है, ठीक है? So let us see how many of you gonna mark it correctly. पहले हम देखते हैं कौन कौन mark करने वाला है इसको सही. Launching the poll for the question number 2 and it is here. Okay. The continuity of features from one generation to another generation. So, आपको पता है कि एक generation से दूसरे generation में जो features होते हैं वो transmit होते हैं is known as evolution, mutation, heredity, generation. The continuity of features from one generation to another generation is, oh wow, that's great. So, we have 15 of you, those who have marked it correctly, let us have a look over the leaderboard. Okay. So could you please tell me your name or should I change it? So we have someone with the name Biology Guru with 1970 points followed by Sanya, Hurahop, Ayush, Mayank, Tiza, Niharika, Mohammed Salahuddin, Setan and Vivek on the leaderboard. चलो पहले थोड़ा concept पढ़ लेते हैं. ठीक है सब लोग YT पे आ जाइए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आसान सा क्वेश्चन था बेसिकली इट वाज सेइंग द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वी कॉल इट एज हेरिडिटी इवोल्यूशन. आप देखते हो ना बच्चा इतना चेंज आया उसके बाद ह्यूमन डेवलप हुए एप में एप इवॉल्व हुए चेंजेस आए दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. म्यूटेशन इज एनी सडन चेंज. ठीक है जनरेशन तो आपको पता है. चलो यस before starting the session, I want to make you sure that you are aware about the word genotype and word phenotype. Okay, every character, just focus on the same. Generally, the characters, they are under the control of a pair of a allele. ठीक है I'm repeating my sentence again that the characters they are under the control of a pair of allele. ठीक है एक pair of allele के control में character होते हैं and the presence of allele let us consider that there is a gene for being for the height of the plant. So gene can have two alleles let us consider T and small t. अब बच्चों क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है दैट अ फ्लावर मे हैव बोथ द कैपिटल टी अ फ्लावर मे हैव बोथ द स्मॉल टीज अ फ्लावर मे हैव वन कैपिटल एंड वन स्मॉल टी. तो बच्चा ये कहलाता है जीनोटाइप कि आपके पास कौन सा अलील प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अलील उस प्लांट का अपियरेंस कैसा आता है दैट इज फीनोटाइप. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम. सो कैपिटल टी द प्लांट विल बी टॉल सो टॉलनेस इज द फीनोटाइप ऑफ द प्लांट. इवन द स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दे विल बी ड्वार्फ सो ड्वार्फनेस इज द फीनोटाइप ऑफ द प्लांट. टॉकिंग अबाउट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दिस प्लांट इज ऑल्सो टॉल. ओके मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव बताया था. सो व्हाट इज डोमिनेंट डोमिनेंट इज बेसिकली ओके डोमिनेंट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग इन वेरी फर्स्ट जनरेशन जो कि हमको फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाता है. ठीक है सो अगर आप यहां पर देखते हैं दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर ओके दे हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स
but they have same phenotype. I hope that this part is clear to everybody, that what is being what is genotypic and what is phenotypic ratio ki agar main baat karungi to genotype phenotype kya hota hai wo aapko pata hai. Talking about the next point, before starting the session, I want to tell you about what is monohybrid and dihybrid. Main aapko ye bata chuki hu, but let me give one quick recap of the same. That mono, the name itself suggests one. When we are considering one, only one character of a plant, तो मैं दो plant को cross करवा रही हूँ, ठीक है? और जो बच्चा crossing है, ठीक है, उसके पीछे एक ही reason है, एक ही character है, that is the height of the plant. Now we are crossing two plants and we are considering two characters. So बच्चा that is called as dihybrid cross. जब हम दो character को consider करते हैं, when we are considering two characters, when we are just considering one character, we call the cross as monohybrid cross. ठीक है? तो ये तो हमें समझ में आ गया that a character, a trait is under the control of a pair of allele. But बच्चा हमारे पॉपुलेशन में मल्टीपल अलील्स भी हो सकते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्लड ग्रुप का. आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग दैट इन अ पॉपुलेशन देयर कैन बी मोर देन टू अलील. ठीक है, एक बार ब्लड ग्रुपिंग देख लो, फिर हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको बताऊंगी. ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चा, सो वी ऑल नो दैट वी इधर हैव ए ब्लड ग्रुप, वी इधर हैव बी ब्लड ग्रुप और वी हैव ओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हमें पॉपुलेशन में इसके लिए तीन अलील्स मिलते हैं, दैट इज आई ए, आई बी एंड आई. आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपल अलील, प्लीज फोकस ऑन द सेम. तो बच्चा एक पर्सन के पास अगर ए ब्लड ग्रुप है, आई ए हो सकता है, पर्सन कैन हैव आई ए और आई. बी ब्लड ग्रुप पर्सन कैन हैव आई बी एंड आई बी कंडीशन और इट कैन हैव आई बी और आई कंडीशन. फॉर आई, फॉर ओ इट शुड बी आई आई, फॉर ए बी इट शुड बी आई ए आई बी. तो मुझे यहां से ये समझ में आ गया दैट व्हेन ए एंड बी दे बोथ आर प्रेजेंट, दे बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट अलोंग विद द आई, दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट अलाउविंग द आई टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, व्हिच मींस स्मॉल आई इज द रिसेसिव वन. ये हो गया रिसेसिव. यहां पे आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी तो बच्चा इसको हम कह देंगे कोडोमिनेंस. ये हो गया बच्चा सेम प्रेजेंट है तो मैंने आपको होमोजाइगस बताया था, तो ये हो गया बच्चा आपका होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा आपका हेटरोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, आई होप दैट ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. व्हाट इज होमोजाइगस? होमोजाइगस मींस सेम तरीके का प्रेजेंट होना. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल एलील. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंडेलियन क्रॉस. ठीक है, तो बच्चा मेंडेल ने पाइजम सेटाइवम लिया था, मेंडेल ने पी प्लांट लिया था. पी प्लांट लेने के लिए पीछे बहुत सारे रीजन थे, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ठीक है, पी प्लांट के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स. ये डिफरेंट कैरेक्टर हैं और ये हैं ट्रेट्स जो उसने स्टडी किए थे. आई होप द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट सीड शेप इज अ कैरेक्टर, बट द शेप कैन बी राउंड और रिंकल्ड. दो तरीके के हो सकते हैं, ये आपका ट्रेट है. सो यू हैव टू मग अप दिस चार्ट. ये तो करना पड़ेगा बच्चा कि डोमिनेटिंग ट्रेट कौन सा है, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है. तो ये तो आपको भाई मग अप करना पड़ेगा, दैट राउंड इज अ डोमिनेटिंग, येलो वॉयलेट फुल ग्रीन एक्सियल टॉल, ये आपके डोमिनेटिंग है, ये आपको याद करना पड़ेगा और कौन से रिसेसिव ट्रेट है. नाउ अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया था, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस. ये भी हम बात कर चुके हैं दैट मेंडल का प्लांट, ठीक है,
एज पी प्लांट कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड अ फीमेल पार्ट, तो इसने क्या किया, ही रिमूव द मेल पार्ट, वी कॉल इट एज इमैस्क्यूलेशन, कवर्ड द फीमेल पार्ट एंड इन्होंने क्या कराया, इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। उसके बाद जब इन्होंने एफ वन जनरेशन देखा, ठीक है, जब इन्होंने एफ वन जनरेशन देखा तो बच्चा इनको क्या नजर आया, दैट द जनरेशन, द एफ वन जनरेशन प्लांट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल डियर, अगर इन्होंने दो इन्होंने क्रॉसिंग करवाई टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में, द प्रोजनी, जो प्रोजनी आई जिसको हम एफ वन जनरेशन बोलते हैं, ऑल ऑफ देम वर टॉल, ऑल ऑफ देम वर टॉल। तो जो आपको एफ वन जनरेशन में करेक्टर दिखता है, वी कॉल दैट करेक्टर एज डोमिनेटिंग करेक्टर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, तो बच्चा वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओनली वन करेक्टर। सो एज यू कैन सी, आई हैव टेकन ओवर हेयर अ ग्रीन पी पॉड एंड अ येलो पी पॉड। इफ वी गो बैक टू दिस, यू कैन सी ओवर हेयर दैट इट हैज मेंशन दैट द ग्रीन पॉड इज बेसिकली, ओके, it has mentioned that the green pod is basically dominating in nature. So it is but obvious that, बच्चा pod और seed में अलग अलग है आयुष, so बच्चा green pod is dominating in nature, आप यहाँ पे देख सकते हैं। So just focus on the same, जब Mendel ने P1 generation, ये parent generation था, इनको cross करवाया, so in the very first generation what he get, he get all the plants with the one type of parent, yellow का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है, with one type of parent, but जब इन्होंने F1 generation में selfing करवाई, what do you mean by selfing, same generation के plants को cross करवाया, तो बच्चा आप क्या दिखा कि यहाँ पे जो दूसरा वाला character है it also, ठीक है, how he identified which one is dominating and which one is recessive. So Niharika, as you can see that after crossing these plants, as you can see the one plant will have green color pod and the other will have yellow color pod. After the crossing the F1 generation, in F1 generation all the plants have green pods. So bachcha Mendel ko ye laga that this green one is not allowing the yellow one to express itself. तो जो आप the one you get in the F1 generation is the dominating. जो आपको F1 generation में दिख जाएगा वो dominating हो जाएगा, ठीक है। Now, so अब जब F इनके बीच में selfing करवाया, after selfing he get three plants, ठीक है, basically he get three plants with green and one with yellow. Okay, so which means in the F2 generation the recessive one also get appeared, कि जो recessive one है वो भी appeared हो गया। Now, okay, so it started with 34 varieties and spent 2 years selecting the pure breeding varieties. Pure मतलब जिसके सारे plants एक जैसे आए। He crossed with only one, he basically crossed the varieties which only differed in one characteristic. In which we are going to talk about the monohybrid one. अब मेंडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी? For example, he took pure tall and pure short plant. जब क्रॉस करवाया, all the plants were tall in F1 generation. But in F2 generation, ठीक है, which means only one character showed up in the F1 generation. और जो character F1 generation में show हुआ, ठीक है, we called it as dominating. ठीक है? What are you saying, dear? AJ Luma, what are you saying, dear? He also conducted reciprocal cross. Reciprocal cross, मैंने आपको बताया था, by reversing the source of gametes. मतलब अगर tall flower का पहले stamen लिया, so next cross में small flower का stamen लिया. मतलब easy करते हैं इसको, अगर first cross में इसका male part लिया और इसका फीमेल, सो रेसिप्रोकल क्रॉस मींस इसका फीमेल पार्ट इसका मेल पार्ट, सो बट स्टिल ही डिड नॉट फाउंड एनी
changes. Still the result was same. He took F1 to another generation. The parental trait which was not appeared in the F1 generation, ठीक है, which was not present in the F1 generation, ठीक है, it showed back. ठीक है, so what was the ratio? Ratio was 3:1. हाँ बच्चा निहारिका, टॉकिंग अबाउट द पी प्लांट, बच्चा पी का प्लांट, पी प्लांट में आपको दोनों पार्ट्स दिखते हैं, ये मैंने आपको इनिशियली बता दिया था. व्हाट वाज हिज लॉ डोमिनेटिंग, हाँ यस ऑब्वियसली, तो बच्चा तभी तो डोमिनेटिंग बोला. F1 जनरेशन क्या होता है? F1 जनरेशन बच्चा अभी आई जस्ट टोल्ड यू गाइज दैट पेरेंट प्लांट को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आती है वी कॉल इट एज फिलियल 1 जनरेशन. सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन आती है वी कॉल इट एज फिलियल 2 जनरेशन. नाउ मेंडल का लॉ क्या था? तो मेंडल लॉ वाज व्हेन टू डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट इन जीनोटाइप ओनली द ट्रेट इनकोडेड बाय वन ऑफ देम द डोमिनेंट अलील इज ऑब्जर्व्ड इन द फिनोटाइप. सेकेंड, अब आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट इन F2 जनरेशन द डॉफ वन ऑल्सो अपीयर. ईच डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पोजेस टू अलील फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज टू सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट के फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं, इसी वजह से बच्चा आपको सेकेंड F2 जनरेशन में यू विल गेट दम. एवरी एक्सेप्शन आर देयर बट हम अभी नॉर्मल उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है. सो बच्चा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में ये बोलता है कि आपको दूसरा वाला करेक्टर है वो भी अपीयर हो जाएगा, ठीक है. आई होप दैट द वेरी फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ वी कैन डू सम क्वेश्चंस, वी कैन डू सम क्रॉसेस. यस ओके फाइन. तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो वाज ऑलवेज नियर टू 3:1. एज यू कैन सी व्हेन ही क्रॉस्ड फ्लावर कलर द प्लांट्स विद डिफरेंट फ्लावर कलर द प्लांट्स विद डिफरेंट सीड कलर द प्लांट विद डिफरेंट सीड शेप ही गेट द रेशियो नियरली इज टू 3:1, ठीक है. इन एवरी पोजिशन इनको जो रेशियो मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है. He always get it nearby 3:1. Now let us try to practice it. Yellow pods को हम cross करवाते हैं green pods से. चलो मुझे बताओ yellow dominating है कि green dominating है, which one is dominating? Green pod is dominating or yellow pod is dominating? Tell me. Yellow पॉड्स को क्रॉस करवाया है ग्रीन पॉड से. यस ओके फाइन. सो ये सबको पता है कि पॉड्स में ग्रीन इज डोमिनेटिंग. ओके फाइन. पॉड्स इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉड, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सीड. नाउ टेल मी व्हाट आई विल राइट इट. मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूं? ग्रीन इज डोमिनेटिंग दैट यू ऑल नो. सो व्हाट शुड आई राइट इट ओवर हेयर? शुड आई राइट जीजी और शुड आई राइट वाई और शुड आई राइट जीजी और शुड आई राइट वाई? व्हाट शुड आई राइट इट ओवर हेयर? इफ ग्रीन इज डोमिनेटिंग हाउ शुड आई मेंशन द गैमेट्स? जीनोटाइप में कैसे मेंशन करूं? It should be GG, GG. I am considering that the condition is homozygous. मैं condition यहाँ पे homozygous लेके चल रही हूँ. Absolutely correct. Absolutely correct. ठीक है? Yes, absolutely correct. हम homozygous condition लेके चल रहे हैं. So we will write G and G for the green, and we will write small g and small g for yellow. ठीक है? I hope it's clear that small g and small g for the yellow one. Now let us try to cross it. Not yy,
यहाँ पे गड़बड़ी मत करना बच्चा, वी विल टेक दी स्मॉल लेटर ऑफ दी डोमिनेटिंग वन, नो वन विल राइट येलो येलो. नाउ लेट अस ट्राई टू मेक द प्रोसेस. सो कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, वट वी विल गेट, ऑल द एफ वन विल बी, ठीक है प्लीज, यस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आफ्टर क्रॉसिंग देम वी विल गेट एफ वन जनरेशन. सो यू कैन सी इन एफ वन जनरेशन वी आर गेटिंग 100% हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग. यस यस निहारिका, यस वी आर गेटिंग 100% हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग. नाउ नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यस नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मेरा एफ वन जनरेशन बच्चा जी एन जी आया है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब हम इसमें सेल्फिंग करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अब हमने सेल्फिंग किया, ओके नाउ अंडरस्टैंड द रेशियो. सो इट विल बी कैपिटल जी ये दोनों यहां पर आ गए, ये यहां पे आया कैपिटल जी और इसका स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. सो नाउ दिस इज द क्रॉस फॉर द एफ टू जनरेशन. तो बच्चे एफ टू जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग वी आर गेटिंग द सेम. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके दिस विल बी येलो, ठीक है होमोजाइगस रिसेसिव. दिस विल बी ग्रीन होमोजाइगस डोमिनेटिंग. दिस विल बी ग्रीन होमोजाइगस नहीं हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग. दिस विल बी हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग. नाउ लेट अस ट्राई टू राइट द रेशियो. अरविंद विल लेट यू नो विद द सेम. श्वेता राइट नाउ आई एम इन राजस्थान बट आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. चलिए लेट अस ट्राई टू राइट द रेशियो. सो बच्चा अगर मैं रेशियो लिखूं, मैं जीनोटिपिक रेशियो लिखती हूं और एक फिनोटिपिक रेशियो लिखती हूं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज. टेल मी द जीनोटिपिक रेशियो. तो बच्चा अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो एक होमोजाइगस डोमिनेटिंग है, टू आर द हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग. सो द रेशियो विल बी 1:2:1. वन होमोजाइगस डोमिनेटिंग, टू हेटरोजाइगस डोमिनेटिंग एंड वन होमोजाइगस रिसेसिव. टॉकिंग अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो, ये भी दिखने में ग्रीन, ये भी दिखने में ग्रीन, ये भी दिखने में ग्रीन, बट ये क्या है, ये है येलो. सो फिनोटिपिक रेशियो इज दी 3:1. तो आपको याद रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो अलग अलग आ सकता है. ओके आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए फाइन. नाउ दिस वॉज फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एवरीबॉडी कम टू द ओके जीनोटिपिक रेशियो. बच्चा 1:2:1 मैंने लिखा है. सो एवरीबॉडी कम टू द मेंजी वॉल, विल डू सम क्वेश्चंस. जीनोटिपिक रेशियो अगेन बच्चा आप देख सकते हैं, यहां पे आपको होमोजाइगस कंडीशन एक दिख रही है डोमिनेटिंग में, यहां पे आपको हेटरोजाइगस कंडीशन दो दिख रही है डोमिनेटिंग में, यहां पे आपको होमोजाइगस कंडीशन एक नजर आ रही है रिसेसिव. सो 1:2:1. ओके चलो आ जाओ एवरीबॉडी कम टू द मेंची वर्ल्ड. सो द कोड इज हेयर 7909119. Everybody come to the Menti. We are on the question number 3. For those who have just joined, I have repeated the code. It's 790. Okay. Fine. Launching the poll for the question number 3 and it is here. So everybody mark your answer.
The question is, which of the following statement is incorrect? बहुत ध्यान से, मैंने आपको ये अभी बताया है. Yes. Okay. Mark your answers. Fine. Okay, so we have around 6 of you, those who have marked it correctly. Let us have a look over the leaderboard. So still we have Dr. Centipede leading the leaderboard with 2958 points, followed by Niharika, Teja, Mayank, Sanya, Hula Hope, Ayush, Mohammed Salauddin, Tanu and Saturn. All the very best, dear, that you have your SST exam tomorrow. So the question, for understanding the question, come to the YT. So the question is saying which of the following statement is incorrect. Pehla hai, individual with different genotypes can have same phenotype, absolutely. तो टी और टी भी टॉल होगा. टी और ये होमोजाइगस इज ऑल्सो टॉल, हेट्रोजाइगस इज ऑल्सो टॉल, एज यू कैन सी ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. अ जीनोटाइप इज द डिपिक्शन ऑफ अलीलिक अरेंजमेंट रिप्रेजेंटेड इन एन इंडिविजुअल. ऑब्वियसली दैट हम बोलते हैं दिस इज द जीनोटाइप. लोकस इज द पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोजोम. दिस आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास, सो प्लीज गो एंड रिवाइज एंड वॉच द पर्टिकुलर वीडियो. A gene can have only two alleles. No, a gene can have more than two alleles in a population. For example, the gene for the blood group have three alleles, IA, IB and I. IA and IB are co-dominant, एक दूसरे के साथ co-dominant है, while they are dominating over I. ये I के ऊपर dominating है. I hope it's clear to everybody. So come to the mentee again, so that we can do the next question. I'll repeat the code for you guys. That is 7909119. We are on the question number 4. Locus is basically Mayank, the position on a chromosome where a gene is present. Ye main bata chuki hu in genetic terminology wali class. If you have still not watched it, please go and watch it now. Okay, so launching the poll for the question number 4, and it is here. Guys, mark your answers. A blood group can be, ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? इजी सा सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना. अ ब्लड ग्रुप कैन बी, द क्वेश्चन विल नॉट टेक मोर देन सेकेंड्स टू आंसर. यस, ओके फाइन. सो 12 ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली. ऑब्वियसली डियर, ब्लड ग्रुप तो ए और सी ही होता है ना, फिनोटाइप तो ए और सी ही आएगा. ये जो भी ऑप्शंस दिए हैं, आई ए, आई बी, आई ए, आई बी, वट एवर, ये सारे क्या हैं? ये जीनोटाइप्स हैं. बट द ब्लड ग्रुप इज, मतलब बट द ब्लड ग्रुप कैन बी ए एंड सी ओनली, ए बी, सॉरी ए एंड बी ओनली, माई बैड. ओके, I'm sorry. Okay, please have a look over the question. So it is saying A blood group can be, A blood group can be. So आपको पता है that it is homozygous condition. So blood group जो होगा वो A होगा. ये जो condition आती है heterozygous condition आती है. So जो blood group क्या होगा वो A होगा. और यहाँ पे जब the blood group will be A B. So A and C will be the correct answer. A and C will represent the blood group A. इस दोनों जीनोटाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो A होगा और इस जीनोटाइप का ब्लड ग्रुप विल बी ए बी. आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. हेलो, लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड. ओके
ओके So we have Dr. Centipede leading the leaderboard with 3941 points, followed by Niharika, Tija, Mayank, Sanya, Hola Hope, Sniti, Vivek, Ayush, and Shreya. I hope that you guys are ready for the next question. I can launch the next question. Okay, बहुत ध्यान से करना, सारे हिट एंड ट्रायल्स लगा देना. Okay, so we are on the question number 5, and the question is here. A person with O blood group have his mother and father with A and B blood group respectively. What would be the genotype of both mother and father? So you have to make the crossing accordingly. You have to answer it. आसान सा है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. आसान सा है, but you have to use your brain. Okay, so we have how many of you? Those who have marked it correctly, let us see. Fine, so we have around 7 of you, those who have marked correctly, not bad. Let us have a look over the leaderboard. No, Ayan, you have to be vigilant. So we have Dr. Centipede leading the leaderboard, followed by Niharika, Tiza, Mayank, Hola Hope, Sanya, Vivek, Sniti, Arya, and Ayush. So come to the YT so that I can explain you this particular question. Asan sa hai. O blood group chahiye. So O blood group ke liye we want two eyes. Theek hai? We want a small eye because the O can be possible only in the homozygous recessive condition. तो बच्चा हमें हमें समझ में आ जाना चाहिए यहां से वी दैट वी वांट अ हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली देन वी विल गेट टू आईज क्रॉस करवाएंगे. अगर मैं ये कंडीशन रखती हूं तब तभी भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मैं ये कंडीशन रखती हूं तभी भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई विल नॉट गेट टू आईज आफ्टर क्रॉसिंग. क्रॉस के बाद मुझे टू स्मॉल आईज नहीं मिलेंगे तो मुझे टू स्मॉल आईज इस ही कंडीशन में मिल रहे हैं. सो ऑब्वियसली मदर एंड फादर बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली. ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही दो स्मॉल आई पॉसिबल है. चलिए कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज हियर, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 एंड एवरीबॉडी I'll repeat the code for those who have just joined. The code is 7909119. 7909119. And yes, I'm launching the poll for the question number 6. Okay. You have to use your brain while mark. Okay, so question is saying pure breed pea plant A. Pure means just try to understand that it is generally a homozygous condition crossed with a pure breed pea plant B. It is found that the plant which look like A do not appear in F1 generation but re-emerges in F2 generation. Which of the plant A and B are tall and dwarf? ये तो आसान सा question था. Okay, so we have around only three of you, those who have marked it correctly. Let me tell you, let us have a look over the leaderboard. So there is no change in the leaderboard. Dr. Centipede is on the top. Just focus on the question, dear. दो plant है A और B, P plant है. ठीक है, बोल रहा है कि जो P के characters हैं वो F1 generation में appear नहीं हुए, which means obviously A के generation, sorry, A is does not appear in F1 generation.
which means A is recessive, because we know that in F1 generation we get the dominating one. So हमें B मिला तो B dominating होगा, and we know that in P plant that the dominating one, okay, in P plant the tall plant are dominating, so the correct answer is option D. Hello. Everybody come to the Menti again so that we can do the next question. We are on the question number 7. The code is 7909119. Chaliye. Okay, so launching the poll for the question number 7, and it is here. If yellow seeds in P is dominating, what should be the genotype of a heterozygous P plant with the yellow seeds? बहुत आसान सा क्वेश्चन है. If yellow seeds in a P plant is dominating, what should be the genotype of a heterozygous P plant with the yellow seeds? बहुत ध्यान से, it is talking about a heterozygous condition. Okay, so we have around 12 of you, those who have marked it correctly. Obviously, here it is talking about heterozygous condition. YY will be homozygous condition. Just hum capital T, small t likhte hain. It was an easy question. Okay. So we have, I think, who is on the top? We have Niharika leading the leaderboard with 5112 points. It was easy. जैसे हम heterozygous tall को कैसे mention करते हैं? Capital T, small t. In the same way, it will be capital Y and small y. Let us have a look over the next question. That is the question number 8. Okay. I hope that you guys are ready for the next question. And okay. Fine. चलिए. So question number 8 देख लीजिए सब लोग. It is here. रमेश हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर, ठीक है. मैरीज श्यामा हु इज होमोजाइगसली ब्लैक. द एफ वन विल हैव डैश परसेंट ऑफ ब्लैक आइड इंडिविजुअल. ध्यान से क्रॉस करो, फिर इस क्वेश्चन को करो. ओके. Mark your answers. Fine. So we have around 5 of you, those who have marked it correctly. Let us have a look over the leaderboard. Then I will tell you the answer for this particular question. Fine. So we have Niharika leading the leaderboard with 5112 points. Let us have a look over the question. तो बच्चा क्वेश्चन को अगर आप देखो तो बोल रहा है, ठीक है, ब्लैक शुड बी दिस कैपिटल, विच मीन्स ब्लैक इज डोमिनेटिंग एंड रमेश इज हेटरोजाइगस. सो विच मीन्स रमेश जो है वो ये है. अब श्यामा क्या है? होमोजाइगसली ब्लैक है, विच मीन्स श्यामा इज दिस. नाउ मेक द क्रॉस. कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी. बच्चा ऑल द प्रोजनीज आर हैविंग ब्लैक आईज. टू ऑफ देम 50% विल बी होमोजाइगस फॉर द ब्लैक आई, 50% विल बी हेटरोजाइगस फॉर द ब्लैक आई, बट दे विल हैव ब्लैक आई. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, आपके अगर रॉन्ग हुए हैं प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट. Now Mendel performed dihybrid cross. ठीक है, करके देखो. Mendel ने dihybrid cross perform किया. Dihybrid means Mendel took two characters into consideration. ठीक है, for example,
होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड बियरिंग प्लांट क्रॉस्ड विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड बियरिंग प्लांट, मतलब दो अलग अलग तरीके करेक्टर ले रहा है क्या, एक तो सीड का शेप और एक सीड का कलर, ठीक है। व्हेन ही क्रॉस्ड, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डियर, ठीक है। व्हेन ही क्रॉस्ड ही गेट इन F1 जनरेशन, उसको डोमिनेटिंग वाला मिला। डोमिनेटिंग कैसे मिला, ऑब्वियसली वी नो दैट राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेटिंग, सो इसको सारे डोमिनेटिंग मिले। फिर ही मेड द गैमीट्स फॉर द सेम, सो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं गैमीट के लिए, यू विल गेट कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल R स्मॉल Y, ये तो हमारे जो नॉर्मल पेरेंट के पास थे वही आए। नाउ यू मे इधर गेट कैपिटल R स्मॉल Y और स्मॉल R कैपिटल Y, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि बच्चा जो पेरेंट्स थे वो होमोजाइगस थे, होमोजाइगस डोमिनेटिंग, होमोजाइगस रिसेसिव। तो आपके पास जो गैमीट्स आएंगे, दो तो नॉर्मल जो पेरेंट वाले टाइप थे और जो दो आएंगे उसमें यू विल हैव अ कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल R एंड कैपिटल Y। नाउ अब जब बच्चा अलील्स ऑफ टू जीन्स आर सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर, ऐसा जरूरी नहीं था कि कैपिटल R के साथ हमेशा कैपिटल Y गया, नहीं, ही गॉट अ कैपिटल R विद स्मॉल Y एज वेल एंड स्मॉल R विद कैपिटल Y एज वेल। इसके बाद ही मेक द क्रॉसिंग, हैव अ लुक ओवर हियर। बच्चा ये थे आपके पेरेंट राउंड येलो, इनकी क्रॉसिंग करवाई, प्रोजनी ये आया, प्रोजनी से गमीट्स बनाए और गमीट्स में सेल्फिंग करा दी। सो व्हाट ही गेट दैट द 9:1, ओके द रेशियो वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो। सो फिनोटिपिक रेशियो कैसे थे बच्चा, होमोजाइगस कंडीशन वाज द डोमिनेटिंग वन, दैट इज कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, दैट इज राउंड एंड येलो वर इन द रेशियो 9, राउंड एंड ग्रीन इन द रेशियो 3, रिंकल्ड एंड येलो इन द रेशियो 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन इन द रेशियो 1। सो द रेशियो इज, फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। आप इस क्रॉस को करके भी देख लीजिए, ठीक है, आपको गमीट्स यहां पे लिखने हैं और गमीट्स यहां पे लिखने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड हैव टू पुट द सी कैपिटल R विल कम हियर, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y। सो यू विल गेट वन कंडीशन हैविंग रिंकल एंड ग्रीन सीड्स, व्हाइल यू विल बी हैविंग 9 कंडीशंस विद राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है, देन यू हैव राउंड एंड ग्रीन वन एंड रिंकल्ड एंड येलो वन। तो ये था बच्चा, जरूरी नहीं था कि हमेशा राउंड और येलो साथ में गए डोमिनेटिंग होने के बाद, नहीं, कंडीशन कैसे दिखी, राउंड और ग्रीन की भी कंडीशन, सॉरी राउंड और ग्रीन की भी कंडीशन नजर आई, ठीक है, रिंकल्ड और येलो की भी कंडीशन नजर आई, ठीक है, यस। नाउ सो वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एवरीबॉडी कम टू द वाईटी, सो द मेंटी, सो दैट वी कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर लेफ्ट विद जस्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, आई थिंक एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, आई मे लॉन्च द क्वेश्चन। ओके फाइन, सॉरी, लॉन्चिंग द पोल, लॉन्चिंग द क्वेश्चन नंबर 9, इट इज इजी क्वेश्चन। द डाई हाइब्रिड रेशियो फॉर F2, द डाई हाइब्रिड रेशियो फॉर F2 जनरेशन, ठीक है, पहले में तो सारे पेरेंट जैसे थे। इट इज टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट फिनोटिपिक रेशियो, द रेशियो इज 1:3:1, 9:3:3:1, 1:3:1, व्हाट इज द रेशियो फॉर F2 इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यस, ओके, सो वी हैव अराउंड हाउ मेनी ऑफ यू, 13 ऑफ यू दोज हु हैव मार्क्ड इट करेक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू बच्चा, द रेशियो फॉर द डाई हाइब्रिड इज 9:3:3:1, वो हमने अभी पढ़ा है।
Okay, so we have Niharika leading the leaderboard with 5968 points, followed by Hola Hope, Mayank, Tisha, Dr. Centipede, Arya, Sniti, Sanya, Ayush, and Priya. So let us see the last question for the day. And I'm launching the question. I'm hoping that all of you are here only and ready for the mentee. So the question is here. Easy question. If round green seeded plant is crossed with a wrinkled yellow seeded plant, the seed produced in F1 generation is talking about the very first generation. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपको कौन से प्लांट कैसे दिखेंगे? अब आपको यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है. यस, ओके. Fine. So we have around 6 of you, those who have marked it correctly. Bachcha, we know that in F1 generation we will get the dominating character. So round yellow is the dominating, and let us have a look over the leaderboard. So we have Tisha leading the leaderboard with 6044 points. Congratulations to you, dear. So I hope that what actually the mono hybrid cross and di hybrid cross, ये सारी चीजें आपको clear है, ठीक है? If you have still any doubt, you can reach out to me through Telegram. The link for my Telegram group is given in the description box. And before ending the session, as you all know that there is a very like you can say very important, very wonderful opportunity for all of you, is that you are getting a sale, okay, on our life courses. So basically we believe that we believe on the fund of the right to education. Bhai sabko right hai education ke liye. So on the basis of that, there is a sale for all of you on our life courses. So if you want to join any of our life courses, you can reach out to us. Theek hai, you will get flat 40 plus extra 32% off on our life courses. So basically for you guys, there is a course that is 1 year extended program for class 9th. Right now you are in 9th standard. So bacha, abhi aapke jitne bhi 9th ke concepts hain, wo clear karaya jayega. And afterwards, we will take you with the 10th standard ka concept. So Rohan sir is going to take maths, Pragya ma'am for chemistry, Nirbhay sir for physics, and I'm going to take biology in this particular course. So yes guys, you can join for the same. If you want to join, you can reach out to the detail given below. And yes, please practice this particular cross at your home. Okay, so cross kya karna aapko? Pure tall or heterozygous tall or plant ke beech mein, and then you have to find the F1 and F2 generation. Okay, so see you all in the next class. Till then, all of you take care. God bless, and do follow me on my Telegram group. The link for the same is given in the description box. Bye-bye. God bless.